श्री कृष्ण कहते हैं, जिस तरह हवा एक दिशा में नहीं बहती है, समय समय में बदलती रहती है, उसी प्रकार आदमी की किस्मत समय समय पर बदलती रहती है, इसीलिए समय खराब है। तो परेशान न हो, बस सही से समय का इंतजार करें, क्योंकि इस समय जरूर बदलेगा, याद रखना। अगर बुरे लोग सिर्फ समझाने से समझ जाते और सुधर जाती तो बांसुरी बजाने वाला कभी महाभारत नहीं होने देता जितना इंतजार वह आपसे करवा रहा है। ना समय आने पर इतना देगा, तुम संभाल नहीं पाओगे। अपनी जिंदगी से कभी नाराज मत, क्योंकि ऐसे कई लोग हैं जो आपके जैसे जिंदगी जीने का सपना देखते हैं। किसी भी असफल व्यक्ति से पूछा कि तुम सफल क्यों नहीं हो, तो वह दो कारण देगा, मेरी किस्मत खराब थी या फिर मेरे पास समय नहीं था। कोई भरोसा तोड़े तो उसका धन्यवाद कहना, क्योंकि ये वही लोग होते हैं जो हमें सिखाते हैं कि भरोसा सोच समझकर ही करना चाहिए। समस्या से निपटना है तो उसका हल ढूंढ बहाने में, जब तुम्हें प्रेम करने वाला तुम्हें परेशान करना छोड़ दे तो समझ जाना तुमने उसे खो दिया है। यदि आप सही हैं, तो आपको गुस्सा होने की जरूरत नहीं है, और यदि आप गलत हैं, तो आपको गुस्सा होने का हक भी नहीं है। अपना पूरा समय खुद को बेहतर करने में लगा, क्योंकि अब रिश्ते इंसान से नहीं पैसे से बनने लगे हैं। दूसरों का भला करने वाले मनुष्य को हमेशा कष्टों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हमेशा फल देने वाले वृक्ष को ही पत्थरों की मार झेलनी पड़ती। शिक्षा कहीं इसे भी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन संस्कार हमेशा घर से ही मिलता है। नाराज तो ने साथ दिया ना मंजिल ने इंतजार किया, मैं क्या लिखूं अपनी जिंदगी पर, मेरे साथ तो उम्मीद ने भी मजा किया। पैसा एक ही भाषा बोलता है, अगर तुमने आज मुझे बचा लिया तो कल मैं तुम्हें बचा लूंगा। पैसा फिर कहता है, भले मैं ऊपर साथ नहीं जाऊंगा, पर जब तक मैं नीचे हूँ तुझे ऊपर लेकर जाऊंगा। धैर्य रखना, निराश मत होना, क्योंकि जिसने तुम्हें लिखा को ब्रह्मांड का सबसे बड़ा लेखक, प्रशंसा चाहे कितनी भी कम, लेकिन अपमान सोच समझकर करना चाहिए, क्योंकि अपमान वह उधार है जो अवसर मिलने पर ब्याज सहित लौटता है। आप पीछे जाकर अपने अतीत को तो नहीं सुधार सकते, लेकिन आज काम करके अपने आने वाले भविष्य को जरूर सुधार सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग आपसे जलते हैं उनसे घृणा मत कीजिए, क्योंकि ये वही लोग हैं जो स्वीकार कर चुके हैं कि आप उनसे बेहतर हो। ये 5 चीजें अभी के अभी छोड़ दो, जिंदगी में बहुत सुखी रहोगे। सबको खुश करना, दूसरों से ज्यादा उम्मीद रखना, जिंदगी को अतीत में जीना, अपने आप को डोट किसी से कम समझना और बहुत ज्यादा सोचना, मज मूल्यों को मत को सो हर हाल में चलना। सीखा माता पिता का हाथ पकड़ कर रखी, लोगों के का पकड़ने की जरूरत ही ना। गलती पर साथ छोड़ने वाले तो बहुत मिलते हैं, लेकिन गलती होने पर समझाकर साथ निभाने वाले बहुत कम मिलते हैं। कदर करना, उनके जवाब से बिना मतलब की चाहत रखते हैं, क्योंकि दुनिया में ख्याल रखने वाले कम और तकलीफ देने वाले ज्यादा। मैंने अक्सर देखा है, जब किसी को किसी से रिश्ता खत्म करना होता है, तब सबसे पहले वह अपनी जुबान की मिठास खत्म कर देता है। ताकत और पैसा जिंदगी के फल है, परिवार और मित्र जिंदगी की जड़ है। हम फल के बिना अपने आप को चला सकते हैं, प्रचार के बिना खड़े तक नहीं हो सकते। गरीबों का मजाक मथुरा, क्योंकि गरीब होने में वक्त नहीं लगता। लाख किसी को प्यार दे दो, और जिसे धोखा देना सीखा है वह धोखा देगा। तारीफ करने वाले बेशक आपको पहचान सुनते होगा, मगर फिक्र करने वालों को तो आपको ही पहचानना होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर आपके जीवन से गलत व्यक्ति नहीं जाएगा तो सही व्यक्ति का आगमन भी नहीं होगा। कौन क्या कर रहा है, कितना कर रहा, कैसे कर रहा, इन सबसे आप जितना दूर होगी उतना ही खुश रह पाओगे। इस दुनिया में जुनून जैसी को याद नहीं, मूर्खता जैसी कोई जान नहीं, नफरत जैसा कोई दरिंदा नहीं है, और लाला जैसी कोई धार नहीं है। प्रसन्नता का कोई मार्ग नहीं है, बल्कि प्रसन्नता ही एक मार्ग है।
अगर आप सही दिशा में हैं, तो चिंता मत कीजिए, बल्कि उस दिशा में चलती रही। ऐसा करने से अवश्य ही आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। इस पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कीमती है समय, इसलिए इसे बर्बाद ना करें, नहीं तो अंत में आपको पछतावा के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। जिंदगी में अपनी तुलना किसी से लौटकर, जैसे चांद और सूरज की तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि दोनों ही अपने अपने वक्त पर ही चमकते। यदि किसी काम को करने में डर लगे, तो याद रखना यह डर संकेत है कि आपका कार्ड वाकई में बहादुरी से भरा। ख्वाब जिनके ऊंचे और मस्त होते हैं, इम्तिहान भी उनके जबरदस्त होते। किसी के नजरों में कभी मत गिरना, क्योंकि माफ करने वाला इंसान तो माफ कर देता है, लेकिन उसके दिल में पहले जैसा प्रेम नहीं रहता है। रिश्ते तो बहुत होती है, पर जो दर्द बांटने लगे वही असली रिश्ता है। प्रेम और विश्वास कभी मत खोना, क्योंकि प्रेम हर किसी से नहीं होता और विश्वास हर किसी में नहीं होता। जब कोई दूसरों से धोखा खाता है, तो वह उनसे लड़ना पड़ता है। जब कोई अपनों से धोखा खाता है, तो इंसान चुप हो जाता है। एक बात याद रखना, कम कथा पर जब पड़ता है, तो राजा को भी भीख मांगने पर मजबूर कर देता। तारीफ को धोखा है, जिसे हम बहुत ध्यान से सुनते हैं, पर खुद ही उसमें फंस जाते हैं। अक्सर जिंदगी में सबके पीछे भागने में, सबकी परवाह करने के चक्कर में हम हमेशा पीछे रह जाते हैं। आप थोड़ा भरोसा वक्त पर भी किया करो, क्योंकि यह अच्छे से अच्छे चेहरे को एक दिन बेनकाब कर देता है। खुश रहना सीखो, इससे पहले कि उदास रहना आपकी आदत बन जाए। लौटते वो लोग हैं जो रूठ कर चले जाते हैं, टूट कर जाने वाला कभी लौट कर नहीं आता। कुछ लोग हमारा दिल रोज दुखाते हैं, लेकिन फिर भी हम उनसे बातें करके खुश हो जाते हैं। जो अपनों के साथ आए होते हैं, अपनों के ठुकराए होते हैं, वो बहुत कठोर हो जाते हैं दिल से भी और भोली से भी। उम्मीद तकलीफ तो बहुत देती है, पर न जाने क्यों इस दिल को फिर भी उम्मीद रहती है। बनावटी रिश्तों से कई गुना बेहतर है कि आप अकेले ही रहना सीखा। मोहब्बत और नफरत कहने को तो दो मामूली शब्द है, यही दो शब्द इंसान को भगवान भी बना सकते हैं और से 58 भी बना सकते हैं। समय रहते हुए खुद को बेहतर बनाएगी, वरना आपसी सीखने वाले लोग आपसे से आगे निकल जाएंगे। जिंदगी में अगर खुलकर जीना चाहते हैं, तो कभी किसी पर मत गिरना। थोड़ा ध्यान से रिश्ते बना, क्योंकि यहाँ दिखावे वाले लोग याद है और निभाने वाले बहुत कम है। राह संघर्ष की जो चलता है, वही संसार को डोट बदलता है। मिली है अगर जिंदगी, तो मिसाइल बनकर दिखाई है, वरना इतिहास के पन्ने तो आजकल रिश्वत देकर भी छापे जाते हैं। मंजिल इंसान के हौसले आजमाती है, सपनों के दें आंखों से हटा दी है। किसी भी बात से हिम्मत हार ना होकर इंसान को चलना सिखाती है। किसी के पैरों में गिरकर प्रतिष्ठा पाने के बदले अपने पैरों पर चलकर कुछ बनने की ठान लो। अगर एक हारा हुआ इंसान हारने के बाद मुस्कुराते, तो जीतने वाला भी जीत की खुशी खो देता है। यह मुस्कान की ताकत। कोशिश हम पेशाब परिणाम मिलने तक करें, क्योंकि दुनिया में सिर्फ परिणामों को सलाम करते हैं, कोशिशों को नहीं। आप अपने आप पर विश्वास करो, तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा है जो हर बाधा से भरा है। कभी कभी समय के परिवर्तन से मित्र भी शत्रु बन जाते हैं और शत्रु भी मित्र, क्योंकि स्वार्थ बड़ा ही बलवान होता है। चंदन का पेड़ पूरे संसार में अपनी सुगंध के लिए जाना जाता है, पर यही संसार अक्सर भूल जाता है कि उस चंदन के वृक्ष पर संसार के सबसे जहरीले सांप होते हैं। इसलिए बाहर से अत्यंत मीठा बोलने वाला व्यक्ति अंदर ही अंदर शत्रुता का भी भाव और रख सकता है। इसलिए सोच समझकर ही किसी पर विश्वास करें। जैसे किसी पाषाण से अगर सोना बनाना हो, तो भेजना पड़ता है, ताकना पड़ता है और आग में जलना भी पड़ता है, उसी तरह एक सफल व्यक्ति बनने के लिए आपको अत्यंत से अत्यंत कठिन परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है। जो मिला है उसमें ही खुश रहना सीखो। मेरी उंगलियां मुझे सिखाती है,
दुनिया में एक समान कोई नहीं होता। दूसरे का सुख देखकर दुखी होने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। लोग इतिहास ही नहीं रच पाते, इसलिए साजिशें रचते रिश्ते भी नौकरी की तरह हो गए हैं। आजकल बेहतर ऑफर मिलते ही बदल जाते हैं। कुछ लोग आपसे ही सीखकर फिर आपको सिखाते हैं। मंदिरों में क्यों ढूंढते हुए उसे, वह तो वहाँ भी है जहाँ तुम खुला और अपराध करते हैं। समस्याएं इतनी ताकतवर नहीं होती जितना हम इन्हें मान लेते हैं। कभी सुना के अंधेरे में सुबह ही नहीं होने दिया। खुश रहने का बस एक ही मन उम्मीद, बस खुद से किसी और इंसान से नहीं असफल। लोगों के पास बैठा कर उनके पास अहंकार नहीं अनुभव होता है। कभी कभी समझ नहीं आता अच्छे इंसान के साथ किस्मत हमेशा बुरा खेल क्यों खेलती है। कितने अफसोस की बात है, जब कहीं वफादारी का जिक्र होता है तो हमें कुत्तों की मिसाल देते हैं। नाहक दो किसी को इतना कि आपको तकलीफ हो जाए, और न वक्त दो किसी को इतना कि उनको गुरूर हो जाए। करेले से कड़वे लोग मुसीबत में अक्सर काम आ जाते हैं, और शक्कर से मीठे लोग वक्त पर अक्सर धोखा दे जाते हैं। जिन्हें आपके दर्द का एहसास है, ना उनसे शिकायत करना बिल्कुल भी कार है। आप चाहे सो काम ठीक कर लो, लेकिन एक गलती की तो आपका सब पानी में चला जाता है। जो लोग आपसे कहते हैं ना कि मेरे पास समय नहीं, असल में उनके खास रिश्तों की लिस्ट में आपका नाम ही नहीं है। मूर्ख इंसान अपना तो नुकसान करता है, लेकिन जो उसकी मदद करता है उसका भी नुकसान। का जरूरी नहीं कि सारे सबक किताबों से कि मिले, कुछ सबक जिंदगी और रिश्ते भी सिखा देते हैं। मतलब से भरी दुनिया में तो किसी एक का होना चाहते हैं, तो खुद को दर्द के लिए तैयार है। किसी भी इंसान को अगर ज्यादा सुधारना चाहोगे तो आपका ही दुश्मन बन जाएगा। तुम्हें हर पल उसकी याद, उसकी बातें सताती है, जिसे तुम्हारे होने या न होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे कुछ भी ठीक न हो पर सब कुछ ठीक है, यह कहने की आदत डालो। समय बताने वाले तो बहुत मिलेंगे, पर समय पर काम आने वाले बहुत कम। मैंने तूफान का आना भी जरूरी है जिंदगी में, तभी तो पता चलता है कि कौन हाथ पकड़ता है और कौन हाथ छोड़ता है। मैंने हर किस्म के लोग देखा अपनी जिंदगी। मदद लेकर शुक्रिया बोलने वाले भी और मदद लेकर भी को बोलने वाले में वक्त से पहले मिली चीजें अपना मूल्य खो देती है, और वक्त के बाद मिली चीजें अपना महत्व खो देता। मुझे न झुकने का शौक है, न ही झुकाने का शौक है। कुछ एहसास दिल से जुड़े हैं, उन्हें निभाने का शौक है। दिखते तो यहाँ सभी इंसान हैं,